कंफ्यूजन है कुछ? नो नो। चर्चिल? फाइन। नो सुष्मिता? मैम। ओके फाइन। रिया? फाइन। रिया मैम डाउट है? राइट 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 डाउन योर डाउट, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, राइट डाउन इफ इट इज देयर। ओके फाइन। फाइन। सो दिस इज हाउ द फीमेल सिस्टम इज वर्किंग। अब हम ये समझेंगे इसमें बेटा कि अगर इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होना ज़रूरी है। इम्प्लांटेशन मतलब जायगॉट को एक प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए अपने अटैचमेंट के लिए, तब क्या होता है। और साथ में उसके बाद वी नीड टू प्रोसीड विद द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ दीज पर्टिकुलर जायगॉट। बट उसके पहले द एक्चुअली इफ यू गो थ्रू सॉरी दिस पर्टिकुलर थिंग दैट स्ट्रक्चर ऑफ ओवा एंड ऑल दैट। सो ओवा एंड स्पर्म बोथ ऑफ देम जो है वो गैमिट्स हैं। और वो किस तरीके से द थिंग इज एक्चुअली आई वॉज प्लानिंग टू शो यू द वीडियो बट आई थिंक जूम इज नॉट अलाउिंग द यूट्यूब वीडियोज ऑन इट। आई डोंट नो, इट इज नॉट कमिंग अप ओवर हियर। सो द थिंग इज एट होम वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट सी द एनिमेटेड वीडियोज ऑफ थ्री थिंग्स। अलग अलग देखना, अच्छे से समझ में आएगा। एक आप देखोगे एनिमेटेड वीडियो ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है, एक ओव्यूलेशन का देखना। देन वॉच द वीडियो फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके एंड देन वॉच द वीडियो फॉर इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, ये अलग अलग कुछ वीडियोज हैं जो आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। यू विल बी पिक्चर जो वीडियो में क्रिएट किया गया है दैट विल बी वेरी गुड। जस्ट ट्राई डाउन द एनिमेटेड वर्जन, इट विल बी मच मोर क्लियर। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल वीडियोज वगैरह टाइप का कुछ डाल दोगे तो वो इतना ज़्यादा ब्लर और सब ब्लैक एंड व्हाइट होगा कि इट विल नॉट बी क्लियर टू यू। ओके सो सी टू इट, ओव्यूलेशन देखना, फर्टिलाइजेशन देखना, इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ देखना। ठीक है, इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ बाद में भी देखोगे तो भी चलेगा बट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन यू नीड टू सी। सिमिलरली एट द सेम टाइम जस्ट सी दैट मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन का आप एनिमेटेड वीडियो देखना। ठीक है, आप डालोगे ना हार्मोनल कंट्रोल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन या हार्मोनल कंट्रोल एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो वो आपको हार्मोन से भी सारी चीज़ें रिलेट करके अच्छे से दिखाएगा। बट इफ़ यू पुट अप द वीडियोज लाइक ओव्यूलेशन एनिमेशन, फर्टिलाइजेशन एनिमेशन, मेंस्ट्रुएशन एनिमेशन फॉर क्लास 12, यू कैन विजुलाइज अ लॉट ऑफ गुड वीडियोज अकॉर्डिंगली। अंडरस्टूड दिस पार्ट बेटा? ओके, नाउ सी दिस दैट ओवा एंड स्पर्म व्हेन दे आर गेटिंग फ्यूज्ड विथ ईच अदर, सी ओवा एंड जब स्पर्म फ्यूज होते हैं सो एट
द प्लेस वेर दे हैव टू गेट फ्यूज इन द फेलोपियन ट्यूब. ओके, वंस द फ्यूजन, वंस द फर्टिलाइजेशन इज देयर, दैट मीन्स ये सारे जो स्पर्म है, बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वो ओवा से आकर कनेक्ट होंगे. ठीक है, सभी आकर उसके सरफेस से अटैच हो जाते हैं लाइक दिस. ठीक है, ऑल ऑफ देम विल बी, ये आप 3D में इमेजिन करो, इट्स लाइक ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द ओवा द स्पर्म्स विल बी अटैच्ड एंड ऑल ऑफ देम विल बी ट्राइंग टू डाइजेस्ट द वॉल ऑफ द ओवम. ठीक है, तो सभी के सभी कोशिश करते हैं कि वो ओवम को किस तरीके से डाइजेस्ट करें. नाउ सी दिस, सो बट एंड दिस डाइजेशन जो उनका एक्रोसोम होता है स्पर्म्स का जो हेड के ऊपर है, दैट विल बी हेल्पिंग आउट देम. यस दीपनिता, व्हेन वन ओवरी इज एक्टिव अनदर इज ऑन द रेस्टिंग पीरियड. ओके, अनदर वन विल नॉट बी वर्किंग एंड अनदर वन विल नॉट बी अंडर द हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑल्सो. ओके, बट समटाइम्स ड्यू टू, आजकल क्योंकि आजकल बहुत जो हम पॉल्यूशन और स्ट्रेस और ये सब चीज़ों की वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ फीमेल्स में दोनों ओवरीज जो हैं वो ओव्यूलेशन करने लग जाती है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार टू एग्स रिलीज हो जाते हैं साथ में, जो कि नहीं होने चाहिए. बेसिकली वो अच्छी चीज़, कभी कभार इफ इम्बैलेंसेस आर देयर देन इट्स ओके, बट समटाइम्स इफ इट इज हैपनिंग फ्रीक्वेंटली देन इट मे लूज टू दैट कि वो एक बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल रीजन हो जाता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैज टू मैनेज देयर कॉर्पस ल्यूटियम एंड बोथ ऑफ देम हैज टू बी हार्मोनल कंट्रोल. सो ह्यूज अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स विल बी रिक्वायर्ड, ह्यूज मतलब दोनों को हॉर्मोन रिक्वायरमेंट होगी एंड दैट लीड्स टू द स्ट्रेस एंड द इमोशनल इम्बैलेंस इन द फीमेल्स. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू बेटा? ओके, सो सी दिस, ठीक है. नाउ दिस ओवा, ये जो है ओवा है, इसके भी कुछ लेयर्स होते हैं. सो दीज लेयर्स विल बी प्रोटेक्टिंग द ओवा सो दैट ऑल द स्पर्म्स विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट, बट इट हैव वन सॉफ्ट स्पॉट. एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, मीन्स एक व्हाट यू से रीजन जो इसमें से आउट ऑफ ऑल दीज हंड्रेड ऑफ स्पर्म्स, जो स्पर्म इस जगह पर होता है ना, वो इजीली वो अपने एंजाइम से इसके वॉल को डाइजेस्ट कर सकता है. ठीक है, सो इट्स ऑल मींस इट्स ऑल बेस्ट ऑफ द स्पर्म विल फाइंड इट, क्योंकि स्पर्म को फाइंड, स्पर्म ऐसा नहीं कहीं भी अटैच हो जाएगा, इट विल फाइंड द रीजन कि भाई मुझे कहाँ अटैच होना है. तो ओनली वन स्पर्म विल बी दैट स्मार्ट कि वो ये पर्टिकुलर सॉफ्ट स्पॉट को फाइंड आउट कर सके. सो दैट मीन्स वो स्पर्म कितना बेस्ट होना चाहिए अपने पर्टिकुलर वर्क में. सो इट विल बी देन डाइजेस्टिंग दिस रीजन एंड वॉट इट विल बी डूइंग इज वंस द डाइजेशन इज बींग डन देन दिस स्पर्म विल बी ओपनिंग इट्स दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन एंड इट विल रिलीज आउट द जेनेटिक मटीरियल इन साइड इट एंड देन द ओवा विल जस्ट अगेन क्रॉस दिस एरिया एंड द स्पर्म विल गेट डीजनरेट. जो अब बाहर जो स्पर्म का जो बॉडी बचा है वो डीजनरेट हो जाएगा. तो आप जो अगर छोटे में ऐसे पिक्चर पढ़ते हो कि स्पर्म उसके अंदर चला गया एंड देन बोथ ऑफ देम आर गेटिंग फ्यूज, इट्स अ रॉन्ग थिंग. इट इज नॉट द स्पर्म कभी भी एंटर नहीं होता है, हमें ये चीज रखना. ओनली द जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम द स्पर्म विल बी एंटरिंग इन साइड द ओवा. अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, सो प्लीज प्रैक्टिस द ग्राफ, प्लीज प्रैक्टिस द ओवे, जो ओवेरियन पूरा साइकिल है, ग्राफियन फॉलिकल वगैरह, प्लीज प्रैक्टिस दैट पार्ट. आई एम नॉट रशिंग इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन करने में, बट प्रैक्टिस कर लो, हॉर्मोन्स को अच्छी तरह समझ लो, डू रीड देम. अगर अभी भी हॉर्मोन्स आपको क्लियर नहीं होते हैं तो अपना हॉर्मोन वाला चैप्टर लो,
उसमें ल्यूटिनाइजिंग, FSH और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सबके फंक्शंस को अच्छे से रीड कर लो, सो दैट यू विल नॉट बी गेटिंग कंफ्यूज कि भाई क्या किस चीज के लिए बात हो रही है. ठीक है, सो प्लीज रिवाइज योर हार्मोन का जो चैप्टर है वो अच्छे से रिवाइज करो. ये जो ग्राफ है उसको अच्छे से लर्न करो, समझो पिक्चर वाइज कि ओवेरियन साइकिल में क्या हो रहा है, यूटराइन साइकिल में क्या हो रहा है. डू रीड दैट पार्ट एंड रीड दिस ओवेरियन साइकिल का कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन जो है वो पूरा जो है वो अच्छे से रीड कर लो. देन वी विल बी फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. इज इट ओके? ओके, बिकॉज राइट नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग इट विल बी इजी फॉर यू, आपको समझ सब आ जाएगा, बट लर्निंग प्रोसेस और जब आप सॉल्व करोगे ना तो दीज हॉर्मोन्स विल गिव यू द कंफ्यूजन. सो प्लीज रीड इट थरली. अंडरस्टूड? गुड, सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक विद द फर्दर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड आई थिंक देन फर्दर इज द डेवलपमेंट फॉर द 9 months एंड ऑल दैट इज देयर. सो वीडियो कैन नॉट बी शोन बट पिक्चर्स कैन बी शोन, सो वी विल गिव यू द पिक्चर्स, वीडियोज यू कैन सी ऑन योर. अंडरस्टूड दिस पार्ट बेटा? फाइन, प्लीज प्लीज आप ये एनिमेटेड वीडियोज देखना और ये हार्मोन और ग्राफ और यूटराइन और ओवेरियन साइकिल को प्लीज थरली अच्छे से पढ़ लेना एटलीस्ट 3 to 4 times, देन ओनली इट विल बी कमिंग ओवर हियर. अंडरस्टूड? गुड, सो गुड नाइट एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक. थैंक यू माता. थैंक यू माँ. मोस्ट वेलकम. थैंक यू माँ.